दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, केबल वायर छोटा होने पर दो केबल वायर को एक साथ जोड़ देते हैं, लेकिन दो केबल वायर को गलत तरीके से जोड़ने की वजह से उसके डीडी फ्री डिश में नो सिग्नल आता है या फिर चिपक चिपक कर चलता है और उसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आता, क्योंकि उसे लगता है कि सब चीज़ ठीक है। जैसे कि इस फ्री डिश में प्रॉब्लम आ रहा है, इसका डिश का डायरेक्शन भी सही है, सेटअप बॉक्स भी सही है और टीवी भी सही है, फिर भी बावजूद इसके यहाँ पर नो सिग्नल आ रहा है। तो दोस्तों इस भाई ने क्या किया था कि हाँ, ये जो भाई आप देख रहे हैं, इस भाई ने क्या किया था, अपने पुराने घर में जो कनेक्शन था उसको नए घर में ले आए, जिसकी वजह से इसका जो केबल वायर था ना वह थोड़ा छोटा हो गया। और उसने क्या किया, एक दूसरा केबल वायर ले आया और दोनों केबल वायर को एक साथ कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर टीवी को ऑन करा तो इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि उसको जोड़ने का सही तरीका मालूम नहीं है और अधिकतर लोग गलती करते हैं केबल वायर को कनेक्शन करने में। तो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि जिस तरीके से आप केबल वायर का, दो केबल वायर को आप ज्वाइन करेंगे तो इसमें नो सिग्नल प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा और ना ही आपका जो सेटअप बॉक्स है, जो टीवी है, वह चिपक चिपक कर नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर। तो चलो तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ फटाक से। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इस भाई ने कहाँ पर गलती की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पुराने केबल वायर है और नए केबल वायर है दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। और दोस्तों यह जोड़ा कैसे है मैं आपको बताऊंगा, आपको सुनकर हंसी आएगा। दोस्तों इसने क्या किया, इसका अंदर का जो कॉपर का वायर होता है ना दोनों केबल वायर में, सिर्फ उसी तार को ही जोड़ा है और इसमें जो जाली का तार रहता है उसको जोड़ा ही नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो डिश है उसका दूरी, यहाँ जो रूम में लगा हुआ है सेटअप बॉक्स कनेक्शन, उसका दूरी लगभग 17 से 18 मीटर है, तो इसमें छोटा हो रहा था, तो इस कारण से यहाँ पर दो केबल वायरों को एक साथ यहाँ पर जोड़ दिएगा, जिससे कि यहाँ पर नो सिग्नल प्रॉब्लम आ रहा। तो मैं आपको प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोनों केबल वायर के बीच का जो फाल्ट था उसको कट कर दिया हूँ। आप, मैं यहाँ पर आपको पूरा प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आपको जोड़ना है। तो आपको सबसे पहले 1 से 1.5 इंच यहाँ पर किनारे से यानी कि छोड़ से कट कर लेना है। उसके बाद आपको सबसे पहले इसका जो जाली वाला तार होता है दोस्तों, आपको सफाई से सभी तार को एक किनारे में इस तरह से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्लास्टिक का जो परत आप देख सकते हैं, कई लोग यहीं पर गलती करते हैं, इसको काट कर फेंक देते हैं लोग, मगर दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। इसके इस जो प्लास्टिक है उसके ऊपर एल्युमिनियम का कोटेड होता है, यानी कि परत चढ़ी होता है, जो कि आपको जोड़ना जरूरी होता है। यहाँ का आपको टोटल 3 कनेक्शन करना होता है और यहीं पर 99% लोग गलती करते हैं कि इसका जो एल्युमिनियम परत वाला जो झिल्ली होता है उसको काट कर फेंक देते हैं, उसको जोड़ते नहीं है, मगर आपको पता नहीं है कि उसको जोड़ना जरूरी है अच्छे सिग्नल क्वालिटी के, ठीक है। तो इस तरह से आपको तार को भी छीन लेना है। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार से आपको जो नया केबल वायर है उसका भी जो तार है उसको छीन लेना है। पहले आपको छीन लेना है इस तरह ऊपर को और जाली वाले को किनारे कर लेना है अच्छे से, उसके बाद इसका जो प्लास्टिक वाला जो कोटेड वाला उसको साइड कर लेना है और बीच का जो कॉपर का तार है उसी इस तरह से छीन लेना है और इस तरह से आपको दोनों सिरे को कर लेना है। और यहाँ पर भी आपको सावधानी रखना है, ठीक है। सावधानी ये रखना है कि गलती से भी इसका जो एल्युमिनियम वाला तार है वह कॉपर वाली तार के साथ टच नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको कॉपर वाली तार को आपस में इस तरह से लपेटते हुए जोड़ देना है। इसके बाद आपको प्लायर की मदद से थोड़ा सा यहां पर मोड़ देना है और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहां पर पहले इसका टेपिंग करना है, यानी कि सबसे पहले तो आपको इसके ऊपर टेप लगाना है अगला कनेक्शन करने से पहले, ठीक है। तो चलिए हम यहां पर टेप लगा लेते हैं इस तरह से। इसके बाद हम जो जाली वाला जो तार है दोनों सिरों का उसे यहां पर जोड़ेंगे। आपको ध्यान देना है गलती से भी जो जाली वाला तार है उसमें का एक धागा भी कॉपर वाली तार के साथ टच नहीं होना चाहिए, आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए हम पर जाली वाला जो तार है उसको आपस में इस तरह से लपेटते हुए यहां पर ज्वाइन करेंगे। तो इसके बाद हम यहां पर इस तरह से लपेटते हुए इसको ज्वाइन कर दिया है। अब इसके बाद दोस्तों आपको फिर से इसमें टेप लगाना है। पहले आपको पहला लेयर में कॉपर की तार को ढकना है, उसके बाद ये जाली वाला तार है उसे ढकना है। इसके बाद आपको यहां पर आता है ये जो प्लास्टिक की जो कोटेड वाला है एल्युमिनियम कोटेड, इसको आपको जिस तरफ से एल्युमिनियम की परत चढ़ी हुई दोनों सिरों में उस तरह से चिपकाते हुए आपको इस तरह से ऐंठते हुए
आपको जोड़ देना है। दोस्तों यहीं पर 99% लोग गलती करते हैं, इसको काट कर फेंक देते हैं या एक कवर है ये समझ कर। तो इस तरह से आपको कनेक्शन करना है, सही कनेक्शन करना है, जिससे कि आपका जो सेटअप बॉक्स है वो जरा भी नहीं चिपकेगा और नो सिग्नल प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर टीवी में इसका कनेक्शन करेंगे और आपको चला कर दिखाएंगे कि इसमें प्रॉपर तरीके से हमारा जो टीवी है वह चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हमने यहाँ पर इसका कनेक्शन कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें सप्लाई देंगे दोस्तों, और सप्लाई देने के बाद टीवी को ऑन करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने सेटअप बॉक्स को यहाँ पर रख दिया है। चलिए हम इसका जो स्विच है दोस्तों उसे ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने स्विच को ऑन कर दिया है। अब हम यहाँ पर टीवी को ऑन करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अब कुछ देर में हमारा टीवी ऑन होने वाला है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो टीवी है दोस्तों वह एकदम अच्छे से चल रहा है, इसमें बड़ा भी चिपक नहीं रहा। दोस्तों इस तरह से आप अपना जो सेटअप बॉक्स है उसका जो प्रॉब्लम है नो सिग्नल का उसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसका जो दो तार को ज्वाइन करने का काम उसको आप इस तरह जोड़ेंगे तो आपका जो फ्री डिश है कभी भी नहीं चिपकेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।